ये देखो वायर भी लटक चुकी है पूरी अंदर से, से किसकी जो तार है टूटकर अंदर ही सारी इकट्ठी हो गई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस टेक। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ कि आप देख सकते हैं कि जो मेरी गाड़ी इंडिका विस्टा क्वाड्रा जेट है, इसका जो पैसेंजर साइड का फ्रंट का जो विंडो का जो ग्लास है वो अंदर गिर गया है और ऊपर नहीं आ रहा है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे चेंज करना है। मोस्ट प्रोबेबली जो इसकी मशीन है, मशीन की वायर टूट जाती है, तो आज मैं इसको खोल के देखूंगा कि इसमें क्या दिक्कत है। तो अगर मशीन ख़राब है तो इसकी मशीन चेंज करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ से मैं इसका पूरा पैनल खोलूंगा और वीडियो फास्ट कर दूंगा यहाँ से, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो भाई, हमने इसका जो डोर पैनल है, डोर पैनल हमने पूरा खोल लिया, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो मशीन है, मशीन निकालने यहाँ दे, आप देख सकते हैं कि शीशा जो बिल्कुल अंदर गिरा हुआ है इसका, और यहाँ पे इसका ये देखो शीशा, ये देखो वायर भी लटक चुकी है पूरी अंदर से, और ये इसके शीशे के दोनों नट हैं, ये खोल के निकालूंगा मैं। और ये इसकी मशीन है, यहाँ पर ये मशीन के नट हैं दोनों, और यहाँ पर इसकी मोटर के नट हैं तीन, ये मोटर के नट हैं, ये निकालूंगा तब ये पूरी मशीन बाहर आएगी। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, वीडियो यहाँ से फास्ट कर देंगे थोड़ी। तो भाई, पूरी मशीन के नट हमने खोल दिया, तो अभी इसका शीशा पहले ऊपर उठाएंगे। आप देख सकते हैं शीशा इसका पूरा ऊपर उठा दिया, अभी जो इसकी मशीन खोली है, मशीन को खोल के बाहर निकालेंगे। शीशा हमने ऊपर उठा लिया हाथ से पूरा, और इस साइड से इसकी जो मोटर है, मोटर बाहर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी के साथ इसको खोल के निकाल लिया, और घर पर ही हम रिपेयर कर रहे हैं, मैकेनिक नहीं है इसमें कोई। तो यहाँ आप देख सकते हैं ध्यान से किसकी जो तार है टूटकर अंदर ही सारी इकट्ठी हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ पास करके, ये देख सकते हैं तार पूरी अंदर ही इकट्ठी हो गई है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे हो रखी है। पहले तो हम जो मोटर है, मोटर पूरी मशीन से अलग कर लेंगे। तो भाई, ये जो इसकी मोटर है, मोटर अलग कर ली है, मोटर इसकी बिल्कुल ओके है। पावर विंडो की चैनल मशीन आ चुकी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो लंबे लंबे स्क्रू लगाकर इसको होल्ड किया हुआ है, और तीन दिन बाद हमें इसका स्पेयर पार्ट मिला है, मिल नहीं रहा था, तो अभी इसको फिट करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या कॉस्ट आया मुझे इसको डलवाने का, स्पेयर पार्ट का। तो ये है इसकी नई मशीन, आप देख सकते हैं, और जो मोटर है, मोटर इसमें पुरानी लगेगी जो पहले वाली है इसकी। तो भाई, जो इसकी मोटर है, मोटर इसमें फिट हो चुकी है, पॉज कर दो। तो इसकी जो पहली है, पहली टूटने का कारण यह है कि आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितनी ज्यादा ड्राई हो रखी है ये वायर, तो वायर फिर फ्रिक्शन की वजह से टूट जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैं नई मशीन लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी ग्रीस है, ग्रीस लगी हुई है इसमें। तो अभी मैं और इस चैनल के यहाँ पर, इस साइड भी यहाँ पर मैं इसके पूरे ग्रीस लगाऊंगा, और अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसके कितनी ज़्यादा ग्रीस लगी हुई है, ताकि प्रॉपर लुब्रिकेशन रहे और वायर पर लोड ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि मशीन को हमने इसमें डाल दिया ऐसे, यहाँ से स्लाइड करके। भाई, सबसे पहले तो हम इसमें शीशा फिट करेंगे। तो अभी हम 10 नंबर की के साथ चैनल के नट टाइट करेंगे। तो अब यहाँ जो मोटर है, मोटर के भी तीन यहाँ पे जो
ये नट है, यहाँ टाइट होएंगे। तो इसके मोटर की तार है, तो ये मोटर का जो कनेक्शन है ये भी कनेक्शन करना है इसका, कहीं भूल ना जाए। तो भाई इसका चैनल जो है डल चुका है और अब हम इसमें वापस इस बोर्ड को फिट करेंगे, इसका जो डोर पैनल है। तो भाई जो पावर विंडो की जो मशीन ब्रेक हो गई थी, मशीन नहीं डल चुकी है, प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो इसका ग्लास है बटन से ऊपर नीचे आ रहा है। और जो मेरा टोटल कॉस्ट आया 950 रुपीज़ इसका MRP है और ये मुझे 900 रुपीज़ का मिला। और इसकी जो लेबर है, लेबर हमने पे नहीं करी है, ये मैंने घर पर ही खुद इसको रिपेयर किया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अपनी हर वीडियो में गाड़ी का जो प्रॉपर स्पेयर पार्ट आता है उसका रेट बताता हूँ और मैकेनिक की क्या लेबर आती है वो बताता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।